हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में 4 times कम से कम पूछा गया है। CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है। तो इस क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को समझिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये चूँकि 93, इसके अलावा 2011, 2019 और इसके बीच में एक बार और 2003 में 4 times ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और किया कुछ नहीं है, बस या तो सेम डिजिट दिया है या फिर क्या कर दिया है, इसमें इसके डिजिट्स को चेंज कर दिया है, लेकिन सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा सर्किट डायग्राम है बिल्कुल ऐसा ही है। और यही 3 चीज़ें पूछा जाता है सर्किट में। एक तो है हमारा इस सर्किट का, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस हैं इस तरह से जुड़े हैं, और एक ये है, फिर यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, और इसमें जो है 3 terms हमारा क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल रेजिस्टेंस, एंड द सेकंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड द थर्ड वन इज द PD अक्रॉस द R1। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जब भी कोई सर्किट दिया रहता है और उसमें हमको क्वेश्चन जो है निकालना हो अगर कहीं पर भी कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, तो हम लोग इसमें पता करते हैं कि गिवन रेजिस्टर्स जो हमारे हैं वो कौन से सीरीज़ में है, कौन से पैरेलल में है। सीरीज और पैरेलल को पता करने का सबसे आसान तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे करंट डिवाइड होने लगते हैं वो पैरेलल में हो जाते हैं रेजिस्टेंसेस, और जहाँ पे करंट डिवाइड नहीं होता है वो सीरीज में होते हैं। तो अभी इस सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन से एक बार फिर से सुनिए। द सर्किट डायग्राम अलोंग साइड शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 resistors R1, R2, R3, फाइंड फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस एंड द सेकेंड पार्ट टोटल करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड द थर्ड पार्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। इस तरह से हमारे पास ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक जो हमारा सेल है या बैटरी, ये तो बैटरी है, तो यहाँ पर करंट जो पास करती है वो कैसे पास करेगा, प्लस से माइनस की ओर। ये प्लस है टर्मिनल, तो इससे पास करेगी, इस तरह से आएगी यहाँ पे करंट। मान लेते हैं इस सेल से करंट I पास कर रही है, जहाँ आने के बाद ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगी। इसमें मान लेते ये I2 है और ये क्या है I3 है। यहाँ से जब करंट पास की तो इसमें I1 हो गया, यही करंट जो है यहाँ पर सेम पाथ है, तो ये करंट हमारा R1 में भी I ही पास करेगी। लेकिन ये करंट यहाँ आने के बाद यहाँ पर इसको 2 paths मिल जाता है। मान लेते हैं जो R2 रजिस्टर है, इस रजिस्टर में I2 करंट पास कर रही है, जो I3 वाला है इसमें I3 करंट पास कर रही है, यानी यहाँ पर ये करंट डिवाइड हो गया। और जब करंट डिवाइड हो गया तो इसका मतलब हमको यहाँ पर ये पता चल गया कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है कि पैरेलल में, इसको हम लोग डिसाइड कर लिए। यानी जब करंट डिवाइड हो जाए, तो मैंने अभी बोला था कि ऐसे सर्किट्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, तो यहाँ पर ये पैरेलल हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैरेलल रजिस्टर्स हैं इनका इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे कि इनके बदले कितना इक्विवेलेंट का रजिस्टेंस लगेगा, और उस पैरेलल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू निकलेगी उसके बाद जो भी आएगा वो इसके साथ R1 जो है सीरीज में हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस, इसका सॉल्यूशन देखिए, सिंस R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, देयरफोर क्या हो जाएगा, इनका इक्विवेलेंट हम निकालेंगे 1/R' नाम दे देते हैं, 1/ यहाँ R2 प्लस 1/R3, चूंकि हमारा रेजिस्टेंस का नाम जो था R2 R3 था, तो ऐसे लिख लेंगे रेसिप्रोकल्स कर करके। यहाँ पर R2 की वैल्यू जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सर्किट डायग्राम से 3 ohm दिया है, तो 3 लिखेंगे, और R3 की वैल्यू 6 है तो 6 लिख लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, 3 से 6 में जब डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 × 2 प्लस 6 में 6 से डिवाइड करते हैं 1 आता है, 1 में इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा,
यानी हमारा आ गया 3/6। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 3 1 3 3 2 6, यानी ये आ गया 1/2। इस तरह से r डैश की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/r दिया है 1/r के, तो r डैश जब निकालेंगे यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वहाँ 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, तो ये हमारा 2 ओम आ गया। ठीक है, ये निकल गया कि हम R2 और R3 यानी 3 ओम और 6 ओम को जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये 2 ओम आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो हमारा इनको हटा दिया जाए, देखिए अगर आपको आता है सर्किट डायग्राम बनाने तो उसका सर्किट डायग्राम बनाते चलिए, नहीं आता है तो आप यहाँ से देख लिए, और अब वो जो भी आएगा वो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 3 ओम और 6 ओम के बदले यहाँ पर जो आर डैश की वैल्यू निकाले हैं 2 ओम, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारा 4 ओम ऐसे ही रहेगा। इसमें करंट आई पास कर रही थी, जहाँ पर हमारा जो भी बैटरी लगा हुआ था वो बैटरी वैसे ही रहेगा, 12 वोल्ट का था 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर दिया, अब इसमें जो करंट जा रही थी हमारी वैसे जा रही। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है यानी कि R1 रजिस्टर, और ये इसकी वैल्यू 4 ओम, इसी तरह से ये जो R डैश आया वो हमारा 2 ओम। जो करंट इसमें पास करेगी 4 ओम रेजिस्टेंस में, वही करंट इसमें भी पास करेगी, यानी इसके बाद जो हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस आया और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस R डैश यानी 2 ओम का, ये दोनों ही रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया, क्योंकि दोनों में करंट की जो वैल्यू है वो सेम है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस, ये देखिए जब आपको अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने आता हो तो ही बनाइएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, नहीं आता हो तो गलत बनाने की कोशिश मत करिए। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नाउ द रजिस्टर R1 एंड द R डैश आर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, देयरफॉर इट्स इक्विवेलेंट इज, जो भी लिखना हो लिख लीजिए। तो सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं कि R इक्विवेलेंट यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में अब हमारे पास दो ही रजिस्टर बचा है, एक R1 और एक R डैश, तो R1 प्लस R डैश लिख लेंगे। R1 की वैल्यू 4 ओम है और R डैश हमारा है 2 ओम, तो 4 ओम और 2 ओम कितना होता है, 6 ओम होता है। तो R इक्विवेलेंट यानी कि हमारे पास इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आ गया। पूछा था टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो ये हमारा 6 ओम आंसर आ गया। देयरफॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल टू 6 ओम। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो करना चाहते हैं वो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टोटल करंट जो सर्किट में माने हैं, ये जो हमारा 12 वोल्ट की जो बैटरी है इसके थ्रू जो करंट माने हैं उसको आई माने हैं। अब इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट या इनके बदले इस सर्किट का हमारे पास क्या निकल करके आ गया, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि दिया हुआ है कितना, 6 ओम दिया है। वोल्टेज दिया हुआ है इस बैटरी का 12 वोल्ट, तो यहाँ लिखेंगे कि सेकंड पार्ट के लिए सिंस V इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर R इक्विवेलेंट यानी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दिया है वो 6 ओम दिया है, देयरफॉर करंट या आप यहाँ टोटल करंट भी लिख सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज ऐसे ही पूछा गया, तो टोटल करंट इन द सर्किट सीकेटी लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, I इक्वल टू ये आएगा V/R, क्योंकि हम लोग ओम्स लॉ पढ़े हैं, ओम्स लॉ से क्या होता है V/I इक्वल टू R होता है, R को इधर ले आएंगे तो I की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से I की जब वैल्यू निकलेगा तो I इक्वल टू V की वैल्यू दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो यहाँ 12 वोल्ट लिख लेंगे और ये आया है 6 ओम, इसको डिवाइड करेंगे 12 में 6 से तो 2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट का टोटल करंट निकल करके आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्ट बचता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए और किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है,
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 4 ओम, यानी आर वन के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग ओम्स लॉ से ही पढ़े हुए हैं कि वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो अगर हमें V निकालना है तो इसके लिए I और R की वैल्यू मालूम होना चाहिए। I की वैल्यू हम लोग 2 एम्पियर निकाले हैं, और जो हमारे पास जो रजिस्टर R1 है इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो 4 ओम है। तो इस तरह से इसमें करंट I जाएगा और इसका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 4 ओम है। तो यानी I इंटू R1, यानी यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रॉस दी रेजिस्टेंस आर वन इक्वल टू आई इंटू आर वन। आई के जगह 2 एम्पियर है, आर वन की वैल्यू 4 ओम है, तो यह आ जाएगा 8 एम्पियर इंटू ओम, या इसी चीज़ को 8 वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह हमारा सॉल्यूशन पसंद में आया होगा, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारा कराया हुआ सॉल्यूशन पसंद आता है तो आप हमें लाइक भी कीजिए और हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि अभी आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम CBSE वाले बच्चों का नहीं हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए लाभदायक होगी, यूजफुल होगी, आ सकते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। और चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में चूंकि 4 टाइम्स आ चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखना मत भूलिए और पूरा का पूरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक हम और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आपके सामने बहुत ही जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।